मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिक्स। सबसे पहले हम लोग डिस्कस किए थे मैट्रिक्स, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन। अभी डिस्कस कर रहे हैं मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिक्स। दो मैट्रिक्स ए और बी है, उसको कैसे मल्टीप्लाई करेंगे। तो दो मैट्रिक्स लेते हैं ए, थ्री ऑर्डर का, सिंपल से लेते हैं, वन टू वन थ्री, ए टू वन, ए टू टू, ए टू थ्री, ए थ्री वन, ए थ्री टू, ए थ्री थ्री। थ्री क्रॉस थ्री मैट्रिक्स एंड बी दे देते हैं, बी वन टू, अब ए थ्री। ये थ्री कोई जरूरी नहीं है कि स्क्वायर मैट्रिक्स हो, तो हम ऐसा काम करते हैं कि थ्री रो तो मस्ट है बट कॉलम डिपेंड कर देते हैं। बी वन टू, बी वन वन, बी वन टू, बी वन थ्री, बी वन फोर एंड बी टू वन, बी टू टू, बी टू थ्री, बी टू बी थ्री वन, बी थ्री टू, बी थ्री थ्री, बी थ्री फोर एंड बी आप तो लेंगे तो प्रोडक्ट लेंगे। क्या रूल है कि एक मैट्रिक्स एम इंटू एन है तो दूसरे को एन इंटू पी होना जरूरी है प्रोडक्ट होने के लिए, और प्रोडक्ट जो होके आएगा वो आएगा एन क्रॉस पी का, मीन्स फर्स्ट का नंबर ऑफ कॉलम्स एंड सेकेंड का नंबर ऑफ रोज, नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ कॉलम ऑफ फर्स्ट इक्वल टू नंबर ऑफ रोज ऑफ सेकेंड। यहां पे थ्री इंटू थ्री है और ये है थ्री इंटू फोर, तो थ्री क्रॉस थ्री इंटू थ्री और थ्री इंटू फोर, तो थ्री बाय फोर का मैट्रिक्स, थ्री बाय फोर का मैट्रिक्स मिलेगा। तो इस बात का ध्यान रखना जरूरी है कि मैट्रिक्स का मल्टीप्लीकेशन तभी होगा जब एन क्रॉस एन और एन क्रॉस पी इसमें फर्स्ट का नंबर ऑफ कॉलम्स एंड सेकंड का नंबर ऑफ रोज के इक्वल होगा, तभी मैट्रिक्स का मल्टीप्लीकेशन कर सकते हैं, अदरवाइज मैट्रिक्स का मल्टीप्लीकेशन नहीं होगा। तो यहाँ पे इसलिए लिया गया कि यहाँ पे नंबर ऑफ कॉलम्स थ्री थे, नंबर ऑफ रोज भी थ्री लिया गया। अब मल्टीप्लाई के लिए क्या है कि आप रो लेंगे और इसके कॉलम्स मल्टीप्लाई, मीन्स इस तरह का इधर से जाके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स मल्टीप्लाई होगा, मीन्स ए क्रॉस बी। और ध्यान रखें ए लिए पहले तो पहले का रो और बी दूसरा लिए तो दूसरे का कॉलम लेंगे, मीन्स ये यहां चलेगा और इससे मल्टीप्लाई होगा। तो ए वन वन किससे, बी वन वन से, ए वन वन बी वन वन, फिर ए वन टू बी टू वन से होगा, ए वन टू बी टू वन प्लस ए वन थ्री बी थ्री वन, मीन्स आप ए वन वन, ए वन टू, ए वन थ्री इधर से लेंगे और इधर से बी वन वन, बी वन टू, बी थ्री वन टू, टू वन एंड थ्री वन ऐसे लेंगे और इस तरह से कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट से मल्टीप्लाई होगा, हमेशा इस बात का ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट इसका फिर दूसरे से, तो ए वन वन बी वन टू प्लस ए वन टू, इस एलिमेंट का फिर बी टू प्लस ए वन थ्री बी थ्री टू, बी थ्री टू, फिर तीसरा एलिमेंट ए वन वन, ए वन वन, वन टू थ्री, इधर फोर एलिमेंट होगा तो आएगा भी नहीं, इसलिए तो आप पीछे से शिफ्ट करके लिखते हैं, ए बी ए वन वन बी वन वन प्लस ए वन टू बी टू वन प्लस ए वन थ्री बी थ्री वन
a1 b1 2 plus a1 2 b2 2 plus a1 3 b3 2। अब फिर फर्स्ट रो ही मल्टीप्लाई करेगा इसके थर्ड कॉलम को, तो a11 b13 plus a12 b21 plus a13 b3। फिर फर्स्ट रो फोर्थ कॉलम को मल्टीप्लाई करेगा, इसलिए उस समय मिटाना पड़ा क्योंकि चार एलिमेंट्स नहीं आते, एक दो ये तीन ही एलिमेंट्स आए, चौथा एलिमेंट्स होगा a11 b14 plus a11 12 b24 plus a13 b34। अब सेकेंड इसी तरह से ये रो फिर सबके कॉलम से a21 b11 a22 b21 a23 b31 a21 b12 a22 b22 a23 b31 b13 a22 a23 b33 a21 b14 a22 b24 a23 b34। और लास्ट a31 a32 a33 इस सब के कॉलम से a31 b14 a22 b24 a23 b34। इस तरह से आप मल्टीप्लाई करेंगे तो दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लीकेशन होगा, मीन्स इस दो को उठाएंगे इधर के कॉलम को उठाएंगे, उसे फर्स्टिंग एलिमेंट मल्टीप्लाई करके ऐड करेंगे, एक एलिमेंट बनेगा। जो मैट्रिक्स ए बी आएगा वो आएगा 3x4 का, ये 3 और ये 3 आ जाएगा, 3x4 का मैट्रिक्स बनेगा, तो 3x4 का ही मैट्रिक्स बनेगा। तो एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं कैसे मल्टीप्लाई करते हैं। एक एग्जाम्पल हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं, a b पॉसिबल है कि नहीं यार देखते हैं। यह है 2x3 मैट्रिक्स, दिस इज 3x2 मैट्रिक्स, तो 2x3 एंड 3x2, तो 2x2 का मैट्रिक्स मिलेगा, मल्टीप्लीकेशन पॉसिबल है। तो मल्टीप्लीकेशन करते हैं a b 1 minus 2 3 3 2 minus 1 मल्टीप्लाइड बाय 2 3
माइनस वन टू फोर माइनस फाइव, किस तरह से मल्टीप्लाई होना पूरा ये रो इस कॉलम से, तो वन इंटू टू टू, वन इंटू टू टू, माइनस टू इंटू माइनस वन टू, और थ्री इंटू फोर ट्वेल्व, थ्री इंटू फोर ट्वेल्व, ये एक एलिमेंट होना। फिर यही रो इस कॉलम से थ्री माइनस फोर एंड थ्री इंटू माइनस फाइव माइनस फिफ्टीन, थ्री माइनस फोर एंड माइनस फिफ्टीन। फिर से अब क्या करेंगे, दूसरा रो और दूसरे लाइन में लिखेंगे थ्री इंटू टू सिक्स, माइनस टू एंड माइनस फोर, फिर थ्री इंटू थ्री नाइन, फोर एंड माइनस माइनस प्लस फाइव, तो प्लस फाइव आंसर, फोर एंड ट्वेल्व सिक्सटीन, माइनस वन एंड माइनस फिफ्टीन माइनस सिक्सटीन, और ये जीरो एटीन ए बी। अगर बी ए फाइंड करना हो तो फिर चेक करें कि बी ए फाइंड हो सकता है कि नहीं, तो थ्री इंटू टू है और टू इंटू थ्री है, बी ए भी फाइंड हो सकता है कि वो थ्री इंटू थ्री बनेगा, तो जरा बी ए फाइंड करके देखते हैं क्या। और जाहिर सी बात है वो टू इंटू टू है मैट्रिक्स और ये थ्री इंटू थ्री है, तो टू इंटू टू है और ये थ्री इंटू थ्री मैट्रिक्स बनेगा, तो दोनों इक्वल नहीं होंगे, मतलब ए बी बी ए इक्वल नहीं है, मतलब क्वांटिटेटिव लॉ फॉलो नहीं होता है। बी ए फाइंड करना है तो क्या करेंगे, टू थ्री माइनस वन टू, फोर माइनस फाइव, वन माइनस टू थ्री, थ्री टू माइनस वन दो, टू थ्री टू इंटू वन प्लस थ्री इंटू थ्री नाइन, टू इंटू माइनस टू माइनस फोर एंड थ्री इंटू टू सिक्स, टू इंटू थ्री, टू इंटू थ्री सिक्स एंड थ्री इंटू माइनस वन माइनस थ्री, टू इंटू वन थ्री इंटू थ्री, टू इंटू माइनस टू थ्री इंटू टू, टू इंटू थ्री थ्री इंटू माइनस वन, ये आपका फर्स्ट रो बनेगा। सेकेंड माइनस वन इंटू माइनस वन, माइनस वन इंटू वन टू इंटू थ्री, माइनस वन इंटू माइनस टू टू इंटू टू, माइनस वन इंटू थ्री टू इंटू माइनस टू, फोर इंटू वन माइनस फिफ्टीन माइनस एट माइनस टेन ट्वेल्व प्लस फाइव, माइनस फाइव इंटू माइनस वन प्लस फाइव आंसर। देखें इलेवन टू थ्री फाइव सिक्स माइनस फाइव माइनस इलेवन माइनस एटीन सेवेंटीन, ये थ्री इंटू थ्री मैट्रिक्स है, मीन्स ए इंटू बी नेवर इक्वल टू बी इंटू ए, कभी कभार होगा वो आगे बात हम डिस्कस करेंगे किसके, लेकिन जनरली नहीं होगा, ए बी क्रॉस ए बी इंटू और ए बी और बी ए नहीं होगा, तो कॉम्पिटेटिव लॉ फॉलो नहीं होगा। मैट्रिक मल्टीप्लीकेशन के बाद दो प्रॉपर्टीज देखते हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन। मैट्रिक्स पर ही अभी डिस्कस किए, दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करते हैं ए और बी को, कि कॉम्यूटेटिव नहीं है, मीन्स ए बी किसके इक्वल नहीं है, बी इंटू ए के इक्वल नहीं है, ए क्रॉस बी मतलब ए इंटू बी इज नॉट इक्वल टू बी, ए बी बी ए के इक्वल नहीं है। मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन एसोसिएटिव होगा जो दो बोथ साइड से डिफाइंड हो, बोथ साइड से डिफाइंड होने का मतलब कि ए अगर m इंटू एन का है, बी को इसका कॉलम इसके रो के इक्वल होना पड़ेगा तो एन इंटू पी होगा, और सी पी इंटू क्यू होगा, तो यहां से ए बी, ए बी इज m इंटू पी एंड ए बी
सी इज ऑफ द ऑर्डर एम क्रॉस टी, एम क्रॉस टी। सिमिलरली बोथ साइड्स, तो बी सी, बी एंड सी एंड क्रॉस क्यू मैट्रिक्स एंड ए बी सी, तो एम क्रॉस क्यू मैट्रिक्स मीन्स इफ ए बी सी एंड ए बी इंटू सी एंड ए इंटू बी सी इज डिफाइंड, बोथ साइड्स डिफाइंड, दैन एसोसिएटिव लॉ विल फॉलो। एसोसिएटिव लॉ फॉलो करेगा जब इस तरह का कंडीशन सेटिस्फाई करते हैं, बोथ साइड से मैट्रिक्स सेटिस्फाई करते हैं। यही बात है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ पे भी लागू होगा। यहाँ ये पहले मल्टीप्लाई है, यहाँ ध्यान रखना होगा ये प्री मल्टीप्लाई है, पहले दो इसमें ध्यान होगा, ए को प्री मल्टीप्लाई, ए को पोस्ट मल्टीप्लाई कहेंगे तो प्री मल्टीप्लायर है ए, तो ए को बी से मल्टीप्लाई करेंगे तो ए भी लिखना होगा, ना कि बी ए लिखेंगे, बी ए लिखेंगे तो गलत हो जाएगा। यहाँ पे ए सी लिखेंगे, ए को पहले लिखना होगा, लेकिन यहाँ पे अगर सी बाद में है तो ये ए सी होगा और ये बी सी होगा। सी कहाँ आएगा, बाद में आएगा, पोस्ट मल्टीप्लायर आएगा। अब है कि दो मैं कहता है कि ए इज एन क्रॉस एन मैट्रिक्स, देन ई आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स कैसा होता है, स्क्वायर मैट्रिक्स है, एम क्रॉस एम का मैट्रिक्स है, तो यहाँ एम क्रॉस एम का ए मैट्रिक्स है तो डिफाइन हो गया, इसका नंबर ऑफ कॉलम्स इसके नंबर ऑफ रोज इक्वल हो गए, तो आई एम ए डिफाइन हो गया, और आई की आइडेंटिटी मैट्रिक्स है इसलिए ए के इक्वल आएगा। ए इंटू आई एन एन क्रॉस एन मैट्रिक्स और ए है एम क्रॉस एन, इसका नंबर ऑफ कॉलम्स के रोज इक्वल हो गया, इधर से आई इंटू एन लिख सकते हैं, ए इक्वल हो जाएगा। मीन्स आप आइडेंटिटी मैट्रिक्स से सुटेबल आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करते हैं तो फिर से वही मैट्रिक्स आ जाएगा। अब एम क्रॉस एन मैट्रिक्स है, ओ मीन्स नल मैट्रिक्स जिसमें सारे एलिमेंट्स क्या होंगे, जीरो, तो सारे एलिमेंट्स जीरो होंगे तो मल्टीप्लाई करके जो आएगा वो क्या आएगा, जीरो मैट्रिक्स आएगा, नल मैट्रिक्स ही आएगा। तो अगर सुटेबल ऑर्डर है, देखो एम क्रॉस एन, एन क्रॉस पी, ये दोनों एन मैच कर रहे हैं तो एम क्रॉस पी का नल मैट्रिक्स मिलेगा, एम एम और एम यहाँ मैच कर रहे हैं तो पी क्रॉस एम का नल मैट्रिक्स मिलेगा, तो नल मैट्रिक्स होगा। तो इस तरह से प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लीकेशन भी आपका खत्म होगा।